गांव में रहकर जमीन से वंचित लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ किया गया है। जमीन पर रह रहे गरीबों को मालिका हक दिलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके इलाके की संपत्तियों से जुड़े कागजात सौंपा गया। जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के शाहपुर चौसा गांव में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने ग्रामीण आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहने वालों को मालिकाना हक दिलाने के लिए कार्ड वितरण किया। जिले में कुल 1672 गांव को चयनित किया गया है, जिसमें 10 गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया था। आज चयनित जो पात्रों को कागजात का वितरण किया गया, 16,762 बचे गांवों का सर्वे किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल को की गई थी। साल 2024 तक इसे सभी गांवों में लागू किया जाएगा। अब तक सरकार के पास ग्रामीण आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहता था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां उनके मालिकों को मिलने से रिकॉर्ड रहेगा। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों को निपटने में मदद मिलेगी। लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव के लोग अपने मकानों पर होम लोन ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 10 जनपदों को चयनित किया गया है। मिर्जापुर के 10 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है। जो गरीब ग्राम सभा की जमीन में रह रहे थे, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए उन्हें पेपर भी दिया जा रहा है। कोई कागज न होने के चलते जो परेशानी होती थी वह अब नहीं होगी। स्वामित्व योजना एक उत्तर प्रदेश की सरकार 10 जनपदों में और मिर्जापुर में 10 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे जिनका घर बना है गांव की जमीन पर बना है, उनको उस मकान का पेपर बना करके, जो सरकार की मंशा है कि जहां गरीब बसे हैं उनका पेपर, अगर वह जमीन का अस्पताल सुरक्षित नहीं है तो उनको पेपर बना करके उनको दिया जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है कि कम से कम गांव में जिनके पास पेपर नहीं होते थे, मकान के कागज नहीं होते थे, उनको पूर्ण स्वामित्व प्रमाण पत्र आज उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के साथ ग्राम साहब और केंद्र सरकार की मंशा है कि पूरे भारत में इसका हो। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जनपद अभी चयन की है और सारे जनपदों में कार्यक्रम चलाए जाएंगे, सबको उनके जमीन का, उनके मकान का पेपर। ये 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का पहली बार घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था पंचायती राज दिवस पर। उसके बाद जनपद में कुल 1672 गांव है जिनको चयनित किया गया है। 10 गांव को प्राइवेट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था, जिनका आज वितरण यहां पर किया गया है। इसके बाद जो 1662 ग्राम बचे हुए हैं उनका भी इस तरह कार्यक्रम किया जाएगा। ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि लोगों के पास उनके जमीन घर के पेपर होंगे। यदि वो लोन लेना चाहें तो लोन में बड़ी आसानी होगी। यदि कोई किसी कारणवश अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है तो उसके पास पेपर होगा, उसको बेचने के लिए बड़ी आसानी से उसको बेच सकेगा। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।